ये स्ट्रक्चर है जो पीछे, ये है 17th सेंचुरी का, सो काफ़ी पुराना है। यहाँ के लोगों के देवताओं का मंदिर भी है, उसके साथ साथ पुराने टाइम पे एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर भी हुआ करता था। ओके, सो अभी टाइम शाम के 7 बज रहे हैं। अपने आज के दिन के काम से मैं फ्री हो चुका हूँ, तो अभी इस टाइम पे हम जा रहे हैं, थोड़ी सी आगे जाके एक प्लेस है मिनी थाईलैंड करके, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, उसके लिए आपको जीबी से जलोरी पास की तरफ अराउंड 300-400 मीटर आगे जाना है, उसके बाद एक रास्ता जाता है नीचे राइट हैंड साइड, अभी हम उसी रास्ते पर हैं, तो मैं दिखाता हूँ आगे जहाँ से रास्ता अंदर नीचे जाता है। उस जगह की खासियत है कि वहाँ पर एक रॉक पॉन्ड है जिसमें क्रिस्टल क्लियर वाटर है, बाकी जाके देखते हैं और अच्छा सा शूट भी करते हैं। सो चलते चलते यहाँ पे ये बोर्ड आएगा, यहाँ से हमने जाना है अभी नीचे, यहाँ से अराउंड 500 या 400 मीटर्स और आगे, तो अभी चलते हैं इस रास्ते पे। अभी हम काफ़ी अंदर तक आ गए हैं, आई गेस रास्ता तो यही लग रहा है, बाकी जाके देखते हैं आगे। ओके, ये कुछ ऐसा है यहाँ पे, भाई ध्यान से उतरी हो रहा है, स्लिपरी है। नाइस, सो देवदार के घने पेड़ों के बीच में से एक ट्रेल फॉलो करते हुए हम पहुंच गए इस जगह पे। इसको अगर आप गूगल करोगे तो मिनी थाईलैंड के नाम से फेमस है। सो अभी यहाँ का, यहाँ पे ऊपर कुछ ऐसा है, रॉक से कवर्ड है और ये बीच में पॉन्ड है, पानी तो देखने में बहुत क्लियर लग रहा है, बाकी देखते हैं अभी पिक्चर्स कैसे आती है। और रॉक के दूसरी तरफ है कुछ ऐसा व्यू, यहाँ से पानी जा रहा है यहाँ पे और वहाँ पे पॉन्ड में इकट्ठा हो रहा है। आई विश कि वहाँ पे पॉन्ड में हम नहा पाते, लेकिन अभी हम उस प्रेपरेशन के साथ नहीं आए हैं, तो फिर कभी। अभी जस्ट यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी जगह है बहुत ज़्यादा है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। मैं यहाँ पे आज सोच रहा हूँ मैं दोपहर को दोबारा आऊँगा बीच में, क्योंकि यहाँ पे जब सूरज निकला हो तो आई गेस यहाँ पे आने का थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी तक तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं और कोशिश करूँगा यहाँ दोबारा आने का ज़रूर प्लान करूँगा, कल या परसों या नेक्स्ट किसी भी डे में। तीर्थन वैली की मुझे यही बात सबसे अच्छी लगती है, यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, इतना ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन एकदम वर्थ है यहाँ पे आना। सो यहाँ से एग्जैक्टली रास्ता जाता है नीचे, हम तो इसको मिनी थाईलैंड बोलते हैं लेकिन यहाँ का लोकल नाम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका नाम है कुली कतांदी वीराली आल, अगर मैं प्रोनाउंस इसको सही कर रहा हूँ तो, ये यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में यहाँ उस जगह पॉइंट का नाम है। हेलो एवरीवन, सो इट्स न्यू डे, हमारा दूसरा दिन है यहाँ जीबी में। तो आज हम दोबारा अपने अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग सुबह निकल गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। आज हमने कोई स्पेशल जगह पिक नहीं करी है, हमने जस्ट हमारे जो स्टे के नीचे जहाँ से रिवर बह रही थी, हमने वहाँ लोकल से पूछा हम यहाँ से कौन सा सेफ एरिया जहाँ से हम जाके नीचे तक एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब नीचे जाके हम नदी के पास जाके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो उन्होंने थोड़ा बताया है। तो हम अभी वहीं जा रहे हैं नीचे, बस थोड़ी देर वहाँ पर जाएँगे, थोड़ा बैठेंगे और मॉर्निंग का मज़ा उठाएंगे। सो अभी अगर यहाँ पे आओ तो यहाँ पे रिवर्स तो नीचे बहती रहती है, लेकिन आप लोकल से पूछ सकते हो यहाँ पे ऐसा कौन सा सेफ प्लेस है जहाँ पे आप नीचे जाके इन्जॉय कर सकते हो, क्योंकि मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी जगह पे जाके इन्जॉय ना करें, क्योंकि लोकल्स को पता होता है कि कहाँ पे कौन सा एरिया जो है थोड़ा डेंजरस है, कौन सा एरिया जो है सेफ है। तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ। तो जब तक मैं नीचे पहुंच रहा हूं तो हम थोड़ी बात करते हैं
इस जगह के बारे में, यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है और यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीवी जो है ये है 1600 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे। ये पड़ता है जब हम मंडी से आते हैं शिमला वाले रोड पे, जो नारकंडा आके मिलता है वहाँ वाले रूट पर पड़ता हो। इस रूट पे जो फेमस जगहें हैं जो आती हैं वो एक तो जीबी है, उसके बाद शौज है, इसके आगे जलोरी पास है। सो जीबी पे भी अच्छी खासी स्नोफॉल देखने को मिलती है। सो लेकिन जैसे जैसे आप जलोरी पास के साइड को जाएंगे आपको स्नोफॉल जो है हैवी देखने को मिलती है, और जलोरी पास जो है वो है विंटर्स में बंद भी रहता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। सो जीबी आने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम आए हैं अपने बाइक्स पे आए हैं, बाइक्स पे आ सकते हैं, रोड बहुत अच्छे हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे बसेस जो हैं बहुत रेगुलर चलती है। मैंने कल देख बैठ के ही नोटिस किया था यहाँ पे HRTC बसेस और प्राइवेट बसेस बहुत चलती हैं। सो आपको अगर आप मंडी वाली साइड से आ रहे हो तो आपको मंडी में ईजिली यहाँ से यहाँ के लिए बस मिल जाएगी, या कुल्लू से बस मिल जाएगी, या फिर आपको शिमला वाली साइड से बस मिल जाएगी। बाकी अगर आप बाय एयर आना चाहते हो तो यहाँ पे जो क्लोजेस्ट एयरपोर्ट है वो है भुंतर एयरपोर्ट, और उसके बाद जो है टैक्सी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ तक आ सकते हो। और अगर यहाँ पे अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करूँ तो जैसे कि हम यहाँ पे वर्क फ्रॉम हिल्स करने आए हैं तो हमारे लिए इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे जो है एयरटेल और जियो का नेटवर्क आता है और अच्छा आता है। हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड नहीं है, थ्रू आउट द डे एवरेजली अच्छी स्पीड मिल जाती है। अपलोडिंग थोड़ी कम है लेकिन ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी मिल जाती है। तो अभी आई गेस मैं नीचे पानी के पास पहुँच चुका हूँ, सो यहाँ थोड़ी रेस्ट करते हैं। एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद अब चलते हैं वापस। अभी टाइम हो गया है 8:10, सो अभी प्रेपरेशन करते हैं आज के काम की। सो ये जो रिवर है ये तीर्थन रिवर का ही फ्लो है जो थोड़ा इस तरफ आता है। वैसे जो तीर्थन रिवर है वो बंजार वाली साइड से फ्लो करती है, ये भी एक यहाँ से भी एक चैनल उसका आता है एक और। तो अभी चलते हैं वापस और ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। सो हम यहाँ से नीचे गए थे, ये वही स्पॉट है जहाँ से हम कल गए थे पिछले व्लॉग में, नीचे स्पॉट पे जहाँ पे जिसका नाम है मिनी थाईलैंड है। सो मैं एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था कि इस जगह का ऑलरेडी नाम है कुली कतांदी, सो लेट जस्ट कॉल दिस प्लेस विद इट्स रियल नेम। इस जगह को किसी और के नाम से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सो इसका जो रियल नाम है इसका वो यूज़ करते हैं। सो ये मिनी थाईलैंड नहीं है, ये है कुली कतांदी विराली, जो यहाँ के लोकल लैंग्वेज में इस जगह का नाम है। हेलो एवरीवन, कल मॉर्निंग में रिकॉर्ड करने के बाद मैं डायरेक्टली अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो कल बारिश हो गई थी फिर शाम को हम बाहर नहीं निकल पाए, आज मॉर्निंग में भी कुछ काम था तो अभी निकले हम बाहर। अभी जा रहे हैं चैनी विलेज। तो इससे पहले मैं इस वीडियो में बता रहा था कि अब जीवी कैसे आ सकते हैं, ये लोकेशन में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है। इसके बाद बात करते हैं कि जीबी किन लोगों को आना चाहिए, किन लोगों के लिए ये परफेक्ट लोकेशन है। जीबी जो है बेसिकली ये ऑफ बीट लोकेशन है, यहाँ पे क्राउड थोड़ा कम आता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी भी बाकी हिल स्टेशन या फिर किसी पॉपुलर जगह से कंपेयर करें। तो अगर आप लेस क्राउडेड एरिया चाहिए विद दिस व्यू तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो जीबी जिसके लिए काफ़ी फेमस है आजकल वो है ट्री हाउसेज। आप ट्री हाउस स्टे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके साथ साथ जो अभी लोग ज़्यादातर यहाँ विज़िट कर रहे हैं वर्क फ्रॉम हिल्स के लिए, यहाँ पे आप हॉस्टल्स हैं, यहाँ पे आपको कॉटेजेस मिल जाएंगे, आप उनको रेंट कर सकते हैं। हॉस्टल का जो रेंट है वो आपको मिल जाएगा 5,000 to 10,000, 12,000 पर वीक। मैंने जितना यहाँ पे पता किया था मिनिमम 7 days का स्टे मिलता है अगर आपको विद मील लेना है इन हॉस्टल में, मतलब बंकर बेड्स अगर आपको लेने हैं। सो वही अगर प्राइवेट रूम लेते हो तो आपको 7,000 to 15,000, 16,000, वो डिपेंड करता है डिफरेंट स्टेज के लिए अकॉर्डिंग। और अगर आपको लग्जरी स्टेज का शौक है, मतलब आप एक लग्जरी अच्छी जगह आना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे बहुत सारे कॉटेजेस बने हुए हैं, उसका भी प्राइस जो है
2-3 thousand से स्टार्ट हो जाता है और ऊपर आपको 7-8 thousand तक इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था, यहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल है और यहाँ पे मार्केट भी है छोटी, एटीएम अवेलेबल है अगर आपको कैश वगैरह निकलवाना है, और इसके साथ साथ यहाँ पे हर तरह के ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह लेते हैं, यूपीआई पेमेंट, तो किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है पेमेंट से रिलेटेड। और अगर आप पूरा का पूरा कॉटेज रेंट करने का सोच रहे हैं जिसमें आपको रूम्स के साथ साथ अपना किचन मिल सके जहाँ पे आप खुद कुक कर सके, तो वो भी यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। प्राइजेज मुझे उसके एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन जो मेरे जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं उसके साथ जो कॉटेज है वो उनका प्राइस 7000 पर नाइट से स्टार्ट है। सो इसके अराउंड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कॉटेजेस, और अगर आप पर मंथ के हिसाब से उनके साथ डील करते हैं तो आई गेस आपको प्राइस थोड़ा कम मिलेगा। चैनी विलेज जाने के लिए हम जीबी से वापस आए हैं औथ की तरफ। औथ की तरफ अराउंड 5-6 किलोमीटर के बाद जो है राइट टर्न जाता है, राइट टर्न के बाद अब यहाँ से 2-3 किलोमीटर और आगे है। सो अराउंड हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे टोटल वहाँ तक पहुँचने के लिए। ऐसी ऑफ रोडिंग का शौकीन है तो उसके लिए तो चैनी कोठी विलेज का रास्ता बहुत ही एंटरटेनिंग रहेगा, जैसे कि मुझे लग रहा है अभी। यहाँ पे कितने घर घर होंगे यहाँ पे? अच्छा 30 का घर है, ठीक है। मतलब कितने के लोग रहते हैं यहाँ पे? तो 150 रहते हैं। बाकी लाइट वगैरह तो यहाँ पे है प्रॉपर? लाइट प्रॉपर, नेटवर्क वगैरह, फोन वगैरह सब चलता है, जियो चलता है पास में टावर है। अच्छा, जब से जियो आ रहा है तब से चल रहा है या पहले भी चलता नहीं? पहले से चलता है। अच्छा अच्छा, जहाँ से हमने टर्न लिया था, जहाँ से मैंने बताया था कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, और डेफिनेटली 2-3 किलोमीटर का रास्ता तो नहीं था मेरे आइडिया से, वो अराउंड 5-6 किलोमीटर होगा, कम्प्लीटली ऑफ रोड था। अगर आपका अपना खुद का व्हीकल है तो अवॉइड करो खुद के व्हीकल को। उसके अलावा एक और ऑप्शन है, नीचे शिंगा ऋषि टेम्पल से ट्रैक आता है 40-45 मिनट्स का, वो लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे पास बाइक थी इसलिए हम रोड से आए हैं। ये स्ट्रक्चर है जो पीछे, ये है 17th century का, सो काफ़ी पुराना है। यहाँ के लोगों के देवताओं का मंदिर भी है, उसके साथ साथ ये पुराने टाइम पे एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर भी हुआ करता था। और अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो, यहाँ पे होम स्टे आपको मिल जाएगा जिसका जो पर नाइट जो प्राइस है वो 1000-1200 रुपये है। बाकी यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क अगर मैं चेक करूँ तो एयरटेल और जियो दोनों के नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं और इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है। और उसके अलावा वहाँ पे छोटी मोटी शॉप से आकर थोड़ा बहुत सामान ले सकते हो, नेसेसरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन अब बाकी सारी आपको नीचे से लेके आनी पड़ेगी। यहाँ पे आने के लिए आई विल प्रेफर कि आप यहाँ की कोई लोकल टैक्सी हायर करें, क्योंकि जो रास्ता है वो अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो थोड़ा मुश्किल होएगा, और अगर आपके खुद का व्हीकल है तो उसके ख़राब होने का थोड़ा चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि रोड इतना अच्छा नहीं है और जो रास्ता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और पथरीला भी है, सो काफ़ी ज़्यादा टायर स्लिप हो रहा था। मेरे पास बाइक थी, हो सके तो 2-व्हीलर पर आ सकते हो वो भी था अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अदर देन दैट आप कोई लोकल टैक्सी हायर करो, आराम से ऊपर आओ। सो कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद इट्स टाइम टू गो बैक, क्योंकि वैसे भी रास्ता इतना अच्छा नहीं है और धीरे धीरे सनसेट हो रहा है और अंधेरा होने वाला है, तो इससे पहले अंधेरा हो जाए हम चलते हैं वापस। अगर आप यहाँ पे स्टे करना प्रेफर करोगे तो आई गेस वो बेटर ऑप्शन रहेगी, क्योंकि यहाँ के लोगों का मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल देख के आपको शायद अपनी प्रॉब्लम्स छोटी लगेंगी, जो कि हमेशा मुझे लगता है ऐसी जगह पर टाइम स्पेंड करके। सो ये वाला व्लॉग इस ब्यूटीफुल विलेज के साथ यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।